अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह के फजल करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। और सॉरी गाइस, आज मैं अपना व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से कर रही हूँ, 11:30 बजे से, क्योंकि शहरी में मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आसिफ जी को हो गया था ज़ुकाम बहुत तगड़ा, तो बस उन्हीं में लगे रहे हम और शहरी का टाइम भी नहीं पता चला, तो मैं कुछ भी ऐसे खाना वाना कुछ नहीं दिखा पाई थी, उसके लिए मैं माजर चाहूँगी। बट हाँ, आज आपको दोपहर की प्रिपरेशन ज़रूर देखने को मिलेगी। आज हम अपने से अफ्तार में क्या क्या बनाने वाले हैं। तो फिलहाल तो अभी 11:30, पता नहीं 12:30 बज रहे थे, मैंने बच्चों को नहला दिया था, अल्फिया को नहला के मैं ले आई थी, तैयार कर रही थी, और इनायत जो है वो अभी नहा कर आएंगी तो फिर मैं उसको भी तैयार कर दूंगी। पूरा दिन रमज़ानों में इसी तरीके से जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। और अब अल्फिया तैयार हो चुके हैं सिपारे वाले ट्यूशन जाने के लिए, अब बारी है इनायत की, तो इनायत को भी मैं अच्छे से बाल वगैरह काट के उसकी चोटी बना के उसको भी भेज दूंगी। गाइस, बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, इनायत की भी तबीयत सही नहीं है, उसको भी फीवर बार बार चढ़ रहा है उतर रहा है, तो बस आप सबसे यही गुजारिश है कि आप दुआ कीजिएगा। और माशाल्लाह से सदका जो है ना, मैं सभी बच्चों का, हस्बैंड का, सबका देती हूँ, जितनी मेरी गुंजाइश होती है मैं उतना दे देती हूँ, बस आप सबकी दुआओं की दरख्वास्त है। बाकी आप सब लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो, इतना फ़िक्र कर रहे हो हम सब के लिए, उसके लिए वो जजाक अल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ तमन्ना पूरी करे, और बट बहुत ढेर सारा प्यार देती रहिए। अब मैं आपसे सीधा मिलती हूँ दोपहर में, क्योंकि खाना वाना तो बनाना नहीं है, अब हम इफ्तार की तैयारी आज दोपहर से ही करेंगे। अच्छा जी, तो गाइज अब यहाँ पर अभी हो रहा है 1:30 बज रहा है और मैं सारे कामों से फ्री हो गई, तो मैंने सोचा चलो कस्टर्ड बना के रख देती हूँ, क्योंकि शाम को फिर वो ठंडा अच्छा लगेगा। फ्रिज में मैं इसे नहीं रखूँगी, मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना को खांसी हो रही है, फिर हमारा भी कहीं ऐसा ना हो तबीयत ख़राब हो जाए ठंडी चीज़ खाने से, तो मैं अभी परहेज़ बहुत सारा कर रही हूँ ठंडी चीज़ों का। तो यहाँ पर मैंने ये जो दूध लिया है, ये लिया है 2 किलो, और इसमें से 2 किलो में से थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था ठंडा दूध, जिसके अंदर मैं पाउडर मिक्स करूँगी, और यहाँ पर भी दूध रखा हुआ है, अगर कम पड़ेगा तो और डाल लूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो गया, मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, बफेलो मिल्क लिया है मैंने, हाँ भैंस का दूध है मेरा 2 किलो, और वो अच्छे तरीके से पक गया है। अब मैं उसके अंदर चीनी शामिल करूँगी, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हो, तो बस मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी। और ये हमारा कस्टर्ड पाउडर है, मैंने इस बार विंक का लिया है, हर बार यही आता है, वनीला फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर मैंने ट्राई करा था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी ट्राई कर लिया है, सबसे अच्छा लगता है सिर्फ और सिर्फ मुझे पर्सनली मेरी चॉइस है वनीला फ्लेवर, बाकी सारे फ्लेवर बकवास। बाकी देखो मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती, क्या पता आप लोगों को और कस्टर्ड अच्छे लगते हो, मुझे तो बस यही वाला अच्छा लगता है, मेरी पूरी फैमिली को भी। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से चीनी डाल ली है, चीनी को अच्छे तरीके से घुलने देंगे, पकने देंगे, और फिर हम इसके अंदर अपना कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। बहुत सिंपल मीठा है ये, जो बन के रेडी हो जाता है, मीठा मैंने अंदाज़े से ही डाला है, आई थिंक इतना परफेक्ट होगा हमारा कस्टर्ड मीठे में, क्योंकि अभी इनायत भी नहीं है ना चखने के लिए मीठा, तो बस यहाँ पर मैं ठंडे दूध में, चाहे आप इसे पानी में घोल लो, मैं दूध में ही डाल के इसे गाढ़ा करेंगे हम, ठीक है ना। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच जो है कस्टर्ड पाउडर निकाल लिया है, इसके अंदर मैं दूध शामिल कर दूँगी, ठीक है, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और डालूँगी, वैसे मुझे कम लग नहीं रहा, ठीक अच्छे तरीके से हो जाएगा हमारा पूरा इसके अंदर, लम्स नहीं पड़ने देने ना हमने इसके अंदर, अच्छे तरीके से घोल लेना है इसको बढ़िया से, और फिर हमारा कस्टर्ड बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा कस्टर्ड पाउडर घुल गया, मैं इसको दूध में शामिल कर दूंगी और दूध को हम अच्छे से चलाएंगे, एकदम से दूध ने कलर चेंज कर दिया है, और इनफ है कस्टर्ड पाउडर, इसमें और डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, पता चल जाता है ना, अभी धीरे धीरे हम इसे और पकाएंगे। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ चने की चाट, चना मसाला जिसे बोलते हैं, तो फटाफट से एक मैंने सोचा चलो एक रेसिपी दे देते हो, तो प्लीज़ कढ़ाई को अवॉइड करते हुए रेसिपी देंगे, मेरे पास दूसरी भी है बट इसमें ना मेरा हाथ बैठा हुआ है यार, मैं उसमें कुछ भी पकाती हूँ ना तो अभी मुझे इतना ज़्यादा ना उसमें आता है।
तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने प्याज ऐड करी, हींग के बाद मैंने डायरेक्ट प्याज काट दिए थे। प्याज आप अपने हिसाब से काट सकते हो, आपको छोटे वाले पसंद है छोटे वाले काट दो, आज मुझे जल्दी हो रही थी तो मैंने लंबे लंबे काट दिए। तो मुझे ये अफ्तियारी मम्मी के लिए भी निकालनी है, तो मैं इसमें मिर्च का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। बाद में ऊपर से हरी मिर्च डालूँगी, वरना तो इसके अंदर हरी मिर्च बड़ी अच्छी लगती है, टेस्टी सी लगती है। चने जो है ना मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, अब हो चुके हैं, बस प्रेशर निकालूँगी, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ये प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, फिर हल्दी नमक ये ऐड करके चने ऐड कर दूँगी, और फिर ये नींबू का रस डालूँगी, हरे धनिया से गार्निश करूँगी, ठीक है ना। तो बस ये हमारी सिंपल सी चाट बनके चनों की हो जाती है रेडी। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही यम्मी। मैं वैसे भी आम दिनों में बनाती रहती हूँ। हाँ, ये सूजी के हलवे के साथ तो और भी अच्छे लगते हैं मुझे, बट अभी सूजी का हलवा नहीं बना रही, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे को। तो बस हम ये फटाफट से करके फिर मैं आपसे मिलूँगी, फाइनल लुक दिखाऊँगी। गाइस, मैंने अब यहाँ पर ऑयल रख दिया है, मैं फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। चने बन चुके हैं, ये देख लीजिए आप, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह से। तो हस्बैंड अभी आए थे, तो उनका बड़ा मन था ये मिर्च का पकौड़े खाने का। नो बेटा, तो बस मैंने मिर्च के अंदर अमचूर और धनिया पाउडर और नमक ये ऐड कर दिया, थोड़ा सा चाट मसाला। ये मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया था आलू के पकौड़े बनाने के लिए। हाँ, क्या करोगे आप? तो गाइस, यहाँ पर हमारी प्लेट हो जाती है तैयार देने के लिए। मैंने दो प्लेटें निकाल दी हैं, ठीक है ना। अब जल्दी हो रही है, दस्तरखान पे चल। तो गाइस, थर्ड रोज़े का भी दस्तरखान सज चुका है, और आज हमारे दस्तरखान पे है चने की चाट। ये लेकर आई, इतने लंबी लंबी की कढ़ाई में भी नहीं आ रही थी मिर्ची। ये देखो, इसे हमने टंकी में पकाया। आलू के पकौड़े, ये मैं आज अपनी अफ्तारी लेकर आती हूँ अपने घर से। ब्रेड पकौड़े, ये है फ्राइज फुकनी, ये है वाली। ये तीली और ये मशाल, ये अंगीठी। तो बस इनके ऐसी चलती रहती है। ये तरबूज काटा है सिर्फ जिन्हें, और फ्रूट कस्टर्ड जो है ना अभी हमने ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। वाली लकड़ी जो आग में डालती है। तो भाई, तीसरा रोजा कैसा रहा बताओ मनाल? भाई बताइए, तीसरा रोजा कैसा रहा? तो माशाल्लाह से तीसरा मजे कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह से तीन रोजे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बस कुछ ही टाइम रह गया है, एक मिनट रह गया, चलो दुआ मांग लेते हैं जल्दी से। जी गाइज, अभी आप लोगों ने देखा हमारा, खैर से अल्लाह के हुक्म से तीसरा रोज़ा भी होता है मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। कल है जुमा, और जुमे के लिए एडवांस भी बहुत बहुत मुबारक, और रमज़ानों का फर्स्ट जुमा है। तो मिलते हैं आपसे कल, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे व्लॉग्स को पसंद करें। और मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेज भी आ रहे हैं, आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि आपको रमज़ानों का व्लॉग बहुत पसंद आते हैं, तो एक भी व्लॉग मिस नहीं करना है और मुझे डेली व्लॉग्स डालने। तो मेरी अल्लाह ताला से कोशिश है, मेरी अपने आप से कोशिश तो ये है कि मैं आपको डेली व्लॉग दूँ। देर सवेर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं व्लॉग बनाती हूँ, और उसी टाइमिंग के हिसाब से एडिटिंग करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे ही आपके पास व्लॉग भेज दूँगी। तो बस इसी तरीके से आप अपना बहुत ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हम तो आप सबके लिए दुआ कर ही रहे हैं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।